4 सितंबर को बदमाशों ने गवर्नमेंट पीजी कॉलेज तिगांव के प्रिंसिपल डॉक्टर इकबाल सिंह सिंधु पर जानलेवा हमला कर दिया। उनकी कार को 20 सड़क पर रोककर बदमाशों ने उन पर जानलेवा हमला किया। उनको कई जगह फ्रैक्चर है। आज हरियाणा भर के शिक्षक पुलिस कमिश्नर के राव के दफ्तर में इकट्ठा हुए और उनसे अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। शिक्षकों ने बताया 4 सितंबर को डॉक्टर इकबाल सिंह सिंधु पर 6 अज्ञात लड़कों ने हमला किया। ये काम छात्रों का नहीं है बल्कि असामाजिक तत्वों का है, अपराधियों का है। इसकी जांच की जाए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। देखिए क्या कहते हैं शिक्षक। मैडम आप बताइए क्या था मामला, क्या मांग है आपकी? सर ये 4 तारीख को जो हमारे प्रिंसिपल हैं यहाँ और पहले प्रेजेंट भी रहे हैं GCT के, क्या नाम है उनका? डॉक्टर इकबाल सिंह। अच्छा, वो जा रहे थे गाड़ी से तो 6 लड़कों ने 3 बाइक पे आके पीछे से और आगे से उनकी बाइक अड़ा के फिर शीशे तोड़ के उनको बाहर निकाल के डंडे और लोहे की ओर से उन पर हमला किया। उनसे बुरी तरह से जख्मी हुए हैं, दोनों टांग फ्रैक्चर हैं, दोनों हाथ फ्रैक्चर हैं, छाती में भी कुछ चोटें आई। कौन सी जगह पर वारदात हुई थी? सेक्टर 9 में हुई थी, बाईपास रोड पर हुई थी सेक्टर 9 में। अच्छा, रामा डोर के पास CCTV वीडियो में दिखाई दे रहा है बदमाश अपनी बाइक छोड़कर वहाँ से भाग गए थे। एक बाइक उन्होंने, हाँ, तो बाइक तो पुलिस के कब्जे में है, पुलिस वहाँ पर आ गई थी उस वक्त। अभी क्या मांग है आपकी, क्या चाहते हैं आप? भाई जल्दी से जल्दी कार्रवाई करके कौन इसके पीछे है उनको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि हमें नहीं लगता कि सर जो है ना बहुत पॉपुलर है स्टूडेंट्स में। अच्छा। स्टूडेंट की कोई बात नहीं हो सकती, कोई और बात हो सकती है, कोई पर्सनल एनिमिटी हो सकती है। और सारे कल हमने जो पूरे कॉलेज में, क्योंकि मैं स्टेट बॉडी की जनरल सेक्रेटरी हूँ डॉक्टर शर्मिला और ये हमारे प्रेसिडेंट है नरेंद्र शिवाज जी। अच्छा। हमने वर्क सस्पेंड रखा है पूरे कल पूरा और हमने ब्लैक डे के रूप में शिक्षक दिवस को मनाया पूरे हरियाणा में और सभी जो लोकल यूनिट है पूरे हरियाणा के कॉलेजेस की वो सभी जो है उन्होंने वर्क सस्पेंड किया, पूरा दिन कुछ भी कार्रवाई नहीं की, धरने में बैठे हैं। सर इसी डिमांड को लेकर कि टीचर की जो है सिक्योरिटी को कैसे इंश्योर किया जाए। बहुत दिनों बाद ऐसी वारदात आई है जिसमें कॉलेज प्रिंसिपल पर हमला किया गया है, तो कमिश्नर साहब से आप लोग मिले, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि अभी आइडेंटिफाई हो गए हैं और ढूंढने की कोशिश की जा रही है, जल्दी से जल्दी उसके पीछे इसका हाथ है उसको भी वो बेनकाब करेंगे। हमलावरों की पहचान हो चुकी है उन्होंने बताया जी, तो जल्द से जल्द कार्रवाई की। आप जानते हैं कि ये सोची समझी चाल के तहत हुआ है। अच्छा, ये कोई प्लान्ड है, प्लान्ड है, प्लान्ड उनको पता था कार में प्रिंसिपल साहब हैं, पीछे से मोटरसाइकिल आई है, उनके पैरों पे और हाथों पे चोट मारी है, क्योंकि अगले ही दिन उनके कॉलेज में राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन डिपार्टमेंट हायर एजुकेशन से किया जा रहा था, जिसके अंदर पूरे प्रदेश के जो रेसलिंग के प्लेयर हैं, जो हमारा देश का नाम विदेशों में करते हैं, वो आए हुए हैं। इतना अच्छा आयोजन, लेकिन प्लांट तरीके ने वो इतने निचता पर आ गए कि उनके टीबिया, फीबिया और अल्ना रेडियस, हाँ, ये कोई इसके अंदर प्रोफेशनल क्रिमिनल अटैक किया है, उनको पता था कहाँ पे मारना है, कहाँ पर ज्यादा चोट देनी है। दफा 302 से बचा जा सकता है और उस वीडियो में बताया भी जा रहा है कि सिर्फ पैरों पे मारना है, इसका मतलब वो प्लांट किए गए हैं। और ऐसी गंदी बुरी जो व्यक्ति हैं उनके पता होना चाहिए और समाज में ऐसी बुराइयों को मिटाने के लिए होना चाहिए। हम खट्टर सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं, कमिश्नर से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो समाज में अभी भी ऐसी बुराइयां बची हुई हैं, ऐसी मानसिकता के जो लोग हैं उनको कटेरे में खड़ा कर किसी पर आपको शक है, किसी पर शक है जो राइवल है कहीं? शक तो पुलिस का काम है और शक के तो पुलिस से उसे वीडियो से अपने आप निकाल लेगी, लोगों से पूछेगी। जो बाइक रिकवर हुई है उससे भी हमने ये सवाल लगे जल्दी से जी की जाए, ताकि इसके पीछे लोग हैं। हम सोमवार से हेड ऑफिस में, इससे पहले भी हमारे एक साथी प्रोफेसर TN सैनी बेरिया कॉलेज से, उनके ऊपर भी अटैक हुआ था और कुरुक्षेत्र पुलिस आज भी उन बदमाशों को पकड़ने में नाकाम रही है, वो आज भी आजाद घूम रहे हैं। यहाँ पर कहाँ कहाँ से शिक्षक आए हैं जो CP साहब से न्याय मांगने पहुँचे? पूरे हरियाणा से आए हैं। अभी पूरे हरियाणा से हैं, हरियाणा के शिक्षक जगत के हैं। हम मीडिया से भी दरखास्त लगाते हैं कि मीडिया सरकार का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है जो जनता को सच्चाई और का पक्ष दिलाता है, कि आप इस माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाएं कि ऐसा तो है नहीं वो पाकिस्तान में है, वो फरीदाबाद में ही है और उनको पैदा करने वाले भी फरीदाबाद में किसी न किसी कुर्सी पे बैठे हुए हैं। हम मीडिया से रिक्वेस्ट करते हैं
कि इसके ऊपर न्याय हो। धन्यवाद। ठीक है, देखते हैं मामले में क्या कार्रवाई होती है। सीपी साहब के पास शिकायत पहुंच गई है, हमलावरों की पहचान हो चुकी है, एक बाइक को पुलिस ने बरामद किया है मौके से। देखते हैं आगे क्या होता है। फरीदाबाद लेटेस्ट न्यूज से धर्मेंद्र प्रताप सिंह।